दोस्तों, मैं डीएम पंडित आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। ज्योति मौर्या और आलोक मौर्या का नाम तो आपने सुना ही होगा। हालांकि 3-4 दिन से, कई दिन से आपको एक न्यूज़ सुनने के लिए मिली है जिसमें एक महिला जिनका नाम ज्योति मौर्या है, उन्होंने अपने पति के साथ इस लेवल का धोखा किया कि एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल है, समझ नहीं आता कि ऐसा हो सकता है रियलिटी में कि नहीं। आपने शादी में आना ज़रूर आना मूवी तो देखी होगी, जिसमें कि एक लड़की जो जिसका SDM पद पे चयन होता है तो अपने से छोटे वाले लड़के को किसी भी कंडीशन में वो छोड़ के चल जाती है अपने SDM बनने के लिए। ऐसे ही वाक्य देखने के लिए मिला है जिसमें आलोक वर्मा जो UP से हैं, उनका एक वाक्य देखने के लिए मिला है जिसने अपनी पत्नी को जिनसे उनकी शादी 2010 में हुई थी ज्योति मौर्या, उनके साथ शादी की। तथा जब ज्योति मौर्या ने बोला कि मुझे पढ़ाई करनी है, आगे पढ़ाई करनी है, तो आलोक मौर्या ने पैसे इकट्ठे करे या अपने माँ बाप से कैसे भी करके भाई भाई से ज्योति मौर्या को इलाहाबाद भेजा और कोचिंग दिलवाई। और प्रयास करते करते ज्योति मौर्या ने 2015-16 लगभग 2015 तक SDM पद पे चयन ले लिया और वो SDM बन गई लगभग। ठीक, और ये सारी बात हमें आलोक मौर्या के मुंह से ही सुनने के लिए मिली है। बाद में आलोक मौर्या है, आप कह रहे हैं कि जिस लड़की को आपने पढ़ा लिखा करके SDM बनाया वो आपकी जान की प्यासी हो रही, क्या पूरा मामला सर? इसका सर मेन कारण सर है मनीष दुबे के साथ उनका अवैध संबंध सर, जिसकी जानकारी सर हमें करीब साल भर पहले हुई, लेकिन सर उन्होंने कहा कि दोस्ती है। खैर सर, हमारी पत्नी सर SDM थी उस समय, इलाहाबाद प्रयागराज में सोराम तहसील में रहीं। तो मैंने कहा सर बड़े पद पे हैं, दोस्ती तो हो ही सकती सर, अधिकारियों से बात साथ बैठना उठना हो। तो मैंने सर उन्होंने मैं ये कह के टाल दिया, तो सर मैंने ध्यान नहीं दिया सर। इसकी भनक सर मुझे उसका ये जो शक था वो विश्वास सर 22 फरवरी को हुआ, जब मनीष दुबे गाजियाबाद से चलकर सर मेरे आवास इलनगंज स्थित सरकारी आवास पे आया और इनके साथ एक साथ कमरे में मैंने इनको देखा अवैध संबंध बनाते हुए। तब से सर ये मनीष दुबे और ज्योति मौर्या मेरे जान के पीछे पड़ गई हैं। कौन है, पूरी कहानी बताइए, क्या मामला सर? 2010 में ज्योति मौर्या के साथ मेरी शादी हुई सर। मैं सर पंचायत राज विभाग में सर 2009 में सिलेक्ट हुआ प्रतापगढ़ में सर, वहीं पे नौकरी कर रहा हूँ सर। और 2010 में इनसे 19 नवंबर को मेरी शादी हुई। बताते हैं कि उनकी पत्नी SDM बनने के बाद आज इस पावर में आ चुकी है कि उनका एक दूसरे आदमी के साथ अफेयर चलने लग गया। हालांकि वो 2015 में SDM बन गई थी और इन 3-4 सालों में पता नहीं क्या हुआ कि इनके रिश्ते आलोक मौर्या बोले अच्छे चल रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि 2020-21 के दौरान एक नया आदमी जिसका नाम मनीष दुबे है वो FB पर इनकी पत्नी से संपर्क में आता है। और जब संपर्क में आता है तो इनकी पत्नी उनसे बात करने लग जाती है और आलोक मौर्या एक दिन इनकी चैटिंग पढ़ लेते हैं और उस चैटिंग में इन्होंने बहुत तरीके की बात कर रखी होती है, प्यार मोहब्बत और बहुत तरीके की बात कर रखी होती है, जिसे बहुत बुरा लगता है कि जिस पत्नी के लिए मैंने इतना कुछ किया उस पर वो पत्नी मेरे को मेरी पीठ पे चूरा बोक रही है, मुझे धोखा दे रही है। जबकि आपको जानना चाहिए कि इनके 2 बच्चे भी हैं। हालांकि कहानी सुनने में बहुत बुरी लग रही है और इस आलोक मौर्या के साथ बहुत दुखी वाली चीज़ है, लेकिन ये कहानी यहाँ तक नहीं रुकती। अब आलोक मौर्या के लिए उसकी पत्नी उनके ऊपर आरोप लगा रही है दहेज प्रथा का। शादी के 10 साल बाद उस आदमी पे आरोप लगाया जा रहा है जिस आदमी ने उन्हें SDM बनने में मदद करी, हालांकि उन्होंने पढ़ाई तो खुद ही करी। लेकिन क्या अगर आलोक मौर्या ऐसा इंसान होता जो कि अपनी पत्नी को मारता पीटता या दहेज के लिए परेशान करता, तो क्या वो अपनी पत्नी को इतनी दूर इलाहाबाद पढ़ने के लिए भेजता और कोचिंग करने देता? जबकि ये शादी के दौरान अपने ससुराल वालों के साथ ही इन्होंने कोचिंग करी है और आलोक मौर्या के मदद के द्वारा ही ये SDM पद पर तैनात हुई है। तो आलोक मौर्या का इतना बड़ा योगदान देखने के लिए मिलता है, लेकिन अब सुनाई पड़ रहा है कि ये मोहतरमा ज्योति मौर्या अपने आशिक मनीष दुबे के साथ मिलकर आलोक मौर्या को बर्बाद करने की धमकी दे रही हैं, आलोक मौर्या पे दहेज प्रथा लगाने की धमकी दे रही हैं। यहाँ तक जिस दिन आलोक मौर्या ने उनको पकड़ लिया था बात करते हुए, तो आलोक मौर्या की माँ उनको कुछ बोल ली होंगी अब शब्द, तो उन्होंने भी उनकी माँ और उनको किस भाषा में बोला कि आप लोग भंगी हैं? मैं इन शब्दों का यूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन बताने के लिए बोल रहा हूँ कि आप लोग भंगी है, इन तरह के वर्ड यूज़ करें। आप वीडियो देख सकते हैं, देखिए वीडियो। क्यों आए बोला? क्यों आए भंगी के पास? क्यों आए? तो अपने बाप के बोलती फिर? गंद पकेगा और तेरी माँ गंद पकेगी तो गंद सुलोगे भी। तेरे माँ बाप की तरह तेरे माँ बाप का भंगी नहीं है, झाड़ू लगा लगा के ऊपर नहीं चढ़े हैं, पैसे खा खा के दुनिया का खा खा के ठेले वाले तक को नहीं छोड़ता तेरा बाप। अच्छा जी, जमींदार खानदानी लोग है मेरे घर वाले, तेरे माँ बाप की तरह भंगी नहीं है स्वीपर। कोई बात नहीं, बोलने जितना बोलना। हाँ मैं भंगी क्यों बोला था? तो क्यों आया बोला? क्यों आई भंगी के पास? क्यों आई? तो अपने बाप के बोलती फिर? गंद पकेगा और तेरी माँ गंद पकेगी तो गंद सुनोगे भी।
इस तरह की भाषा का प्रयोग ये ज्योति मौर्या करी अपने पति के लिए, तो आप लोग सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है। हालांकि आलोक मौर्या को किसी भी तरीके से इंसाफ नहीं मिल सकता, क्योंकि जो उनके ऊपर बीत रही है इतना कुछ करने के बाद, उनको पैसे या किसी शोहरत दौरत से मुझे नहीं लगता उनको शांति मिलेगी, या कोई कोर्ट या कोई उनको इंसाफ नहीं दे सकता। इंसाफ दे सकता है तो ये समाज दे सकता है, जो इन जैसी महिलाओं और इन जैसे पुरुषों को जो इस तरीके की धोखाधड़ी करते हैं उनका सपोर्ट देते हैं। हम ये सारा काम करते क्यों हैं? हमें लगता है कि हम नियम कानून बना लेंगे, या हम नियम कानून बना लेंगे, या कोई कोर्ट ने नया नियम निकाल दिया तो इससे हमारा संसार अच्छा हो जाएगा। नहीं हो पाएगा। अगर इंसान में मूल्य नहीं रह गए तो इंसान ऐसे ही काम करेगा। आप खुद सोचिए ना, हमारा लॉ इतना खतरनाक है कि उसमें IPC की धारा 497 को सुप्रीम कोर्ट ने चीटिंग को अवैध घोषित कर दिया है कि चीटिंग, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 497 में जो चीटिंग थी उसको अवैध बता दिया है कि चीटिंग कोई बड़ा गुना नहीं है, तो इसके ऊपर सजा नहीं मिल सकती, क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। पहले चीटिंग क्रिमिनल ऑफेंस हुआ करता था। तो अब जो आलोक वर्मा की पत्नी ने उनके साथ किया है, पति के साथ धोखा दिया है, तो ये इसमें किसी प्रकार की सजा नहीं मिल सकती, क्योंकि वो अडल्ट है और अपनी मर्जी से किसी के साथ गई है। सोचिए, ये हमारा कानून है। और हालांकि ऐसा कानून बना के या ना बनाने से कोई फायदा नहीं होता। आप खुद सोचिए ना, जिस देश में लोग पति पत्नी कानून के आधार पर बनेंगे और तलाक भी कानून के आधार पर होगा, वहाँ इंसान की मूल्य, इंसान के संस्कार कहाँ रह जाएंगे? सोचिए, अगर मैं किसी बच्चे को मार के दम पे, या किसी आदमी को मैं डर के दम पे बोलूँ कि तुम्हें अच्छा नागरिक बनना है, तो अच्छा नागरिक तब तक बना रहेगा ना जब तक वो डर का माहौल बना रहेगा। आप खुद सोचिए, हम लोग रेड लाइट कब फॉलो नहीं करते? जब पुलिस वाला खड़ा नहीं होता। ऐसा ही होता है हमारी कंट्री में, हम रेड लाइट तब तक फॉलो करते हैं जब पुलिस वाला खड़ा रहता है। क्यों? कानून का डंडा होता है, जैसे ही पुलिस वाला या चालान का डर खत्म हो जाता है, हम रेड लाइट खोल के भागते हैं, बिना हेलमेट के जाते हैं। ये क्यों? क्योंकि हमारे संस्कारों और हमारे मूल्य में हमें नहीं बताया जाता, हमें नहीं बताया जाता कि इन चीज़ों से कितना इफेक्ट पड़ता है। और कूल दिखाया जाता है इन लोगों को, जिनको बताया जाता है कि आज के ज़माने में कि आप लोग नई चीज़ ढूंढ रहे हैं यार, नई तरीके का प्यार आपको मिल रहा है। आप सोचिए, ज्योति मौर्य जिन्होंने ये काम करा, उनके सपोर्ट में भी कई सारी औरतें होंगी, फेमिनिस्ट होंगी, वो तो यही कहेंगी ज्योति मौर्या ने अपने मन की बात सुनी, अपने प्यार की तरफ गए। तो आप लोगों को लगता नहीं है कि क्या उस आदमी के प्रति उसका कोई फर्ज नहीं था? क्या उन 10 साल में उसके साथ उनका प्यार नहीं था? क्यों रही वो 10 साल उनके साथ जब उनको प्यार नहीं था? सोचने की बात है ना कि इंसान कितनी जल्दी बदल जाता है। हालांकि इन सब चीज़ों में प्यार व्यार कुछ होता नहीं है, ये इंसान का फर्ज, इंसान का मूल्य होता है। अगर जानवर से आप लोग उम्मीद करेंगे कि वो इंसान की तरह व्यवहार करे तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानवर है, उसको जानवर के मूल्य मिले। लेकिन इंसानों से उम्मीद की जाती है कि वो इंसान की तरह व्यवहार करे। क्यों? क्योंकि इंसान ही इंसान जैसा होता है और इंसान को समझ सकता है। इसीलिए कहा जाता है इंसान के मूल्य बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, संस्कार देने की ज़रूरत है। आजकल आप लोग समाज में देख रहे हैं, कोई किसी को मार देता है, कोई कुछ कर दे रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, इंसानों को फ़र्क नहीं है। हम लोग उन लोगों को हीरो बना रहे हैं, उन लोगों की इज्जत करते हैं जो लोग गलत चीज़ें कर रहे हैं, तो ये हमारे समाज पर क्या इफेक्ट डालेगा? आप सोचिए, ज्योति मौर्य ये काम कर क्यों रही है? ज्योति मौर्य ये काम इसलिए कर रही है क्योंकि हमारे समाज में आज ऐसी दशा आ गई है कि ऐसी औरतों को हम इज्जत देते हैं। हालांकि उसने अपनी मर्जी से किया है तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हम अगर ऐसे लोगों को इज्जत देने लग जाएंगे जो समाज में इतनी गलत चीज़ें करेंगे, और ये हकीकत में बहुत गलत चीज़ है। आप सोचिए ना, सारी औरतें ऐसी हो जाएगी या सारे आदमी ऐसे हो गए तो कैसे रिश्ते हो जाएंगे? क्या सोचेंगे बच्चे? बच्चों की मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ज्योति मौर्य ने केवल अपने एक झूठे प्यार के चलते, झूठा प्यार ही बोलेंगे इसे, जिस आदमी के पास वो जा रही है, क्या उस आदमी को ये नहीं सोचना चाहिए कि जो पत्नी अपने इस इतने अच्छे पति को धोखा दे सकती है? मैं नहीं जानता उनके बीच में कैसा संबंध था, लेकिन अगर गलत संबंध होते तो वो आज SDM नहीं बन पाती, क्योंकि उनके पति ने ही पूरा सहयोग किया था। सोचिए, तो हमें सोचने की जरूरत है कि क्या ये प्यार होता है? हमारे समाज में कहते हैं कि हमारे माँ बाप हमारे प्यार को नहीं समझते। अरे, हमें समझना चाहिए ना कि प्यार इतना इंपॉर्टेंट हो गया है क्या? प्यार, वो प्यार प्यार ही क्या जो दूसरों के ईमान को कुचल के आगे बढ़े? आप सोचिए ना, जो औरत या जो आदमी, ज्योति मौर्य को सुनिए, ज्योति मौर्य जैसी औरत जिसने अपने इतने अच्छे पति को, इतने अच्छे आदमी को, जिसने उनको इतने अच्छे पोस्ट पर पहुँचाया मेहनत करके, उसकी इज्जत नहीं कर पाई, तो क्या वो नए के पास जा रही है? क्या उसकी इज्जत करेंगी? क्या उससे बड़ा कोई आदमी आ जाएगा तो क्या इनका पेट भर जाएगा?
इंसान जानवर नहीं है कि कुछ भी मार के खा ले, कुछ भी कर दे। इंसान के लिए नियम कानून और आदर्श होते हैं जो इंसान को बनाते हैं। हमें सोचना चाहिए, ये नियम और कानूनों से सुधरने वाली चीज़ नहीं है। बिल्कुल ये नियम कानूनों से सुधरने वाली चीज़ नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ सच क्यों, क्योंकि रेप भी इसलिए होते हैं क्योंकि हम नियम कानूनों से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम रेप को रोकने के लिए हम जड़ पे काम करें, किसी के संस्कार के काम करें, संस्कार देने की काम करें। अब ये मत बोलना कि क्या मंदिरों में रेप नहीं होते, होते होंगे किसी एक 100 में से आधे मंदिर में, किसी में एक में, 1000 में से एक में रेप हो गया, तो उसके लिए सबको गलत नहीं बोल सकते। लेकिन आपको पता होगा ना, जिस आदमी ने कभी चिड़िया भी नहीं मारी, मच्छर भी मारा, वो किसी का कत्ल नहीं करता। लेकिन जो आदमी जानवरों को मारते हैं, वो दूसरे को चाकू मारने से पहले नहीं सोचेगा। तो ये सोचने की बात है कि क्या हम कैसे समाज में रह रहे हैं, हम खुद को गंदा कर रहे हैं। तो संस्कारों की जरूरत है, वो संस्कार होने चाहिए कि आदमी कुर्बान होने के लिए निछावर रहे। औरतों में वो गुण होने चाहिए, औरत वैसी होनी चाहिए जैसे कि रानी लक्ष्मी बाई, औरत होनी चाहिए पद्मावती जैसे कि अपने पति को। खिलजी जब आता है पद्मावती को पकड़ने या पद्मावती के इज्जत पे हाथ डालने, तो खुद का जौहर कर लेती है, आग में कूद जाती है। ऐसी औरत चाहिए, ना कि ऐसी औरत की अपना ईमान बेच के किसी और आदमी के पास चली जाए। ऐसी औरत नहीं चाहिए। और ऐसी औरतें अगर सुन रही हैं तो आप खुद सोचिए, आपको बदलने की ज़रूरत है। और उन लोगों की मदद करिए और उन लोगों का साथ कभी मत छोड़िए जिनके साथ आपने गलत किया हो। बेशक वो आपको लात मारे, आपके साथ रहना चाहे, वो इंसान कभी नहीं छोड़ेगा आपको जिसने जिसके साथ आपने गलत किया है। मैं बता रहा हूँ, वो कभी ना कभी आपको एक्सेप्ट कर लेगा। समझ आ रहा है? लेकिन आपको बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि इन चीज़ों में कभी खुशी नहीं मिल सकती आपको। सोचने की ज़रूरत है। और हमारा समाज भी बहुत गिरते हुए जा रहा है, आपको बदलने की ज़रूरत है। हमारे कानून में भी ऐसे ऐसे लॉ है कि हंसने की बात है। अगर इस वाले मैटर में ज्योति मौर्या ने जो गलत किया, अब उसके लिए ये तो नहीं कर सकते कुछ उनके ऊपर केस, इनके पति आलोक मौर्या। लेकिन आपको सोच के हंसी आएगी, अगर ज्योति मौर्या ने ऑफेंस डाल दिया कि इन्होंने मेरे को सेक्सुअली अब्यूज़ करा या इन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करा, कुछ भी करा, तो आलोक मौर्या बेचारे फंस जाएंगे। सोचिए हमारा कानून कितना बायस्ड है, सोचने की ज़रूरत है। और ये फेमिनिस्टों के द्वारा और हमारे कुछ लोगों के द्वारा जो खाली उल्टा मर्दों के शोषण के लिए आवाज़ नहीं उठाती। औरतों का शोषण होगा तो सब आवाज़ उठाएंगी, मर्दों का शोषण होगा तो कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। और ये आपको ज़रूरत है, इस वीडियो को शेयर करें और मेरी बात लोगों तक पहुँचाएं कि संस्कारों की ज़रूरत है हमें। हमें बवाल और फालतू कानूनों की नहीं, संस्कारों की ज़रूरत है। कितने भी डेवलप हो जाओ, पश्चिम की कंट्रियाँ डेवलप है ना, वहाँ पर संस्कार ऐसे ही है ना कि एक पति फिर दूसरा पति फिर तीसरा पति, स्टेप फादर स्टेप मदर स्टेप 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 करके हमने भी वो संस्कृति पाल ली है। सोचिए कितने बिगड़ रहे हो। आशा करता हूँ और आपसे हाथ जोड़ता हूँ प्लीज़। और मैं आपको बता देता हूँ, ज्योति मौर्या तो शायद नपी जाए, किस वजह से नप जाए, आलोक मौर्या को तो इंसाफ मिलेगा नहीं, ऐसे कानून उनकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं आपको दोनों सोल्यूशन देता हूँ, अगर आपको आलोक मौर्या जैसे लोगों को इंसाफ देना और ज्योति मौर्या जैसी औरतों को सजा देनी है, तो आपको एक ही काम करना है कि आप इस वीडियो को शेयर करें। ये तो करें या ना करें आपके ऊपर है, प्लीज़ लेकिन बोलूँगा शेयर करें। और एक काम करें कि किसी भी कोई भी औरत या कोई भी मर्द ऐसा काम करता है तो उसका सपोर्ट मत करिए, उसको किसी भी तरीके से सपोर्ट मत दें, उसे किसी भी तरीके से मारे पीटने की नहीं बोला, सपोर्ट ना दें, उनको इज्जत ना दें। क्योंकि ये लोग काम इसीलिए करते हैं, हम कोई भी काम तभी करते हैं जब हमें पता लगता है समाज हमारे साथ तब भी रहेगा। समझ आ रहा है? पहले आप देखते थे ना लोगों की जवान कितनी पक्की होती, लोग कह देते थे गर्दन कटवा लेते थे, लेकिन आज देखो लोग कितने गिरे हुए हैं। कल कह रहे हैं तुम्हारे साथ जिएंगे, आज किसी और के साथ भाग जाते हैं। कल कह रहे हैं पापा आपके जैसा कोई नहीं है, लेकिन कल ही पापा की इज्जत उतार के भाग गए। लोग ऐसे ही होते हैं, आज बोलेंगे कि हम किसी के साथ हम तुम्हारे साथ रहेंगे, कल किसी के साथ वार्तालाप करते हुए मिलेंगे, कुछ कर लेंगे। लोग धोखा देने लग गए हैं और समाज कलयुग है, आपको समझना पड़ेगा। और लोग सुधर लोगों के द्वारा ही सुधर सकते हैं। आपसे आशा करूंगा आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और खुद पे ध्यान दीजिए, खुद को अच्छा बनाइए। अच्छा बनाने की ये नहीं बोला सरकारी नौकरी ले लो, अच्छा बनाने का मतलब हम कितने भी अमीर हो जाए कुछ भी हो जाए, अच्छा वही है, बड़ा वही है जो दूसरे के लिए त्याग करे। समझ आ रहा है? आशा करता हूँ, धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगेगी, शेयर करने को शेयर कर देना। बाकी इन जैसे लोगों का कभी साथ मत दे, ज्योति मौर्या जैसे लोगों का, क्योंकि इनकी शक्ति तभी बढ़ती है जब आप जैसे लोग इनका सपोर्ट देते हैं। इनका बहिष्कार करो, इनसे कोई बात मत करो। धन्यवाद, नमस्ते।